तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्राइटेरियाज फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब अगर हम ट्रायंगल को सिमिलर करना चाहें, अगर हम ट्रायंगल को सिमिलर करना चाहें तो हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया हो सकती हैं, ठीक है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपको। तो टोटल हमारे पास, ध्यान दो, मुझे पता है आप लोगों को जैसे ही मैं जितनी लिखाऊंगा उससे ज़्यादा ही पता होंगी, पहले आप समझ लो। मेनली हमारे पास तीन क्राइटेरिया होती हैं। सबसे पहली होती है साइड साइड साइड, एस एस एस, और इसके बारे में जिक्र किया गया है बेटा, ठीक है, इसके बारे में जिक्र किया गया हमारी थ्योरम 6.4 में, ठीक है, थ्योरम 6.4 में इसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। बहुत बड़ी थ्योरम है, तो वो ये कहता है कि अगर किसी दो ट्रायंगल में, ठीक है, दो ट्रायंगल में तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। अब मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी क्राइटेरिया होती हैं और क्या होती हैं, वो मैं बाद में बता दूंगा, पहले कितनी हैं वो आप देख लो एक बार, ठीक है। हमारे पास कौन कौन सी हैं, तो एक तो एस 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 है, ठीक है, उसके बाद बेटा दूसरे नंबर पे जो है हमारी वो है साइड एंगल, साइड एस ए एस, ठीक है। उसके बाद हमारी बच्चों जो अगली क्राइटेरिया है वो एस ए एस है। अब तीसरी जो है एंगल एंगल एंगल, ट्रिपल ए नाम की क्राइटेरिया, ठीक है। इसी एंगल 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 से एक क्राइटेरिया और निकलती, वो इसी का पार्ट है, एंगल एंगल, इसे हम डबल ए बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारी तीन है, ट्रिपल एस, फिर एस ए एस और ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रिपल एस के बारे में समझते हैं, ठीक है, कि ट्रिपल एस कौन सी क्राइटेरिया है। तो साइड साइड साइड, एस एस एस, और इसके बारे में थ्योरम 6.4 में जिक्र किया गया है। तो पूरी थ्योरम नहीं पढ़ूंगा मैं आपको, सिर्फ उसका मतलब समझा रहा हूँ कि मान लो मेरे पास दो ट्रायंगल हैं बेटा, हमारे पास कंसीडर करते हैं कि वी हैव टू ट्रायंगल्स, एक तो ए बी सी है और दूसरा वाला ट्रायंगल जो है वो मेरा पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, ठीक है। तो अगर इफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, अगर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में जो हमारी ए बी है अपॉन में पी क्यू का रेशियो बी सी अपॉन में क्यू आर के इक्वल है, और बी सी बाई क्यू आर का जो है ए सी बाई पी आर के इक्वल है, मतलब तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का अगर रेशियो हमारा इक्वल है तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल जो है ना बेटा आपस में सिमिलर होंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, क्राइटेरिया लगेगी भाई एस 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 सिमिलैरिटी रूल, एस 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 क्राइटेरिया होगा। ये हमारा एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया था। देखो जैसे हम ना क्लास नाइन्थ में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे, कॉन्ग्रुएंसी के बाद में सीपीसीटी लगाते थे ना, वैसे यहाँ पे भी हमारा होता है सीपीएसटी नाम का, यहाँ पे भी हमारा सीपीएसटी होता है, सीपीएसटी इसका फुल फॉर्म है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। ये हमें क्या बोलता है, ये हमें ये बोलता है कि
अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, जैसे कि हमारा ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, तो उसमें अच्छा हमने कौन सी क्राइटेरिया से सिमिलर किया, ट्रिपल एस से, मतलब तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, तो अब उसमें बचे क्या एंगल्स, तो तीनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए जो है, एंगल ए, ए के करस्पॉन्डिंग क्या है पी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी जो है एंगल क्यू के, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बाय सीपीएसटी, बाय सीपीएसटी, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में होता था ना, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते थे, उसके बाद में जो चीजें बची हैं वो भी इक्वल हो जाती थी सीपीसीटी से, वैसे यहाँ पे भी ट्रायंगल को जब हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो बची हुई चीजें, बची हुई साइडें तो इक्वल रेशियो में हो जाती है, तो बचे हुए एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। अगला क्राइटेरिया जो है बेटा सेकंड नंबर का, वो है हमारा साइड एंगल, साइड एस ए एस, ठीक है, सिमिलैरिटी। तो ये कब लगाना है, मान लो हमें दो ट्राइंगल दिए हैं ए बी सी और एक ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और इस बार हमें इसमें पता है देखो कब लगाना है वो समझो। मान लो कि अगर मुझे इन दो ट्राइंगल में, इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, आपको ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू जो है बेटा इक्वल दे दे ए सी बाई पी आर के, मतलब दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया हो, तो हम कौन सी साइड ले रहे हैं, देखो बेटा हम कौन कौन सी साइड ले रहे हैं, मैं देखो एक ए बी ले रहे हैं, ये वाली थोड़ा सा ग्रीन से डार्क किया, देखो ये वाली एक ए बी ले रहे हैं, और एक साइड अपन कौन सी ले रहे हैं ए सी, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं पी आर ले रहे हैं, और एक कौन सी ले रहे हैं पी क्यू। तो मैं अब ये देखूं कि मेरी ए बी और ए सी के बीच में, साइड ए बी और ए सी के बीच में, ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी और ए सी कंसिडर किया है ना हमने, तो ए बी और ए सी के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल ए, ऐसे पी क्यू और पी आर में एंगल पी, एंगल पी भी इक्वल दिया हो, मतलब दो करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच का, दोनों ट्राइंगल में दो करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल दिया हो, हमारे जो दो ट्राइंगल होते हैं ना वो आपस में सिमिलर हो जाते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस सिमिलैरिटी रूल। कौन से रूल से, तो बेटा ये एस ए एस सिमिलैरिटी रूल से, ठीक है, एस ए एस से। तो अब देखो हम यहाँ पे लगाएंगे, अब अगर मेरे को इसमें सीपीएसटी लगाना हो तो सीपीएसटी से क्या होगा, अभी दो एंगल के बारे में बात नहीं हुई है, वो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे दोनों करस्पॉन्डिंग, और एक साइड उसके बारे में जिक्र नहीं हुआ है, वो भी इन दो साइड के इक्वल, उन दोनों का रेशियो इन साइड इसके आ जाएगा। तो अगर मेरे को यहाँ सीपीएसटी लगानी हो भाई सीपीएसटी, तो सबसे पहले तो एंगल बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल क्यू इक्वल, एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल आर, और इसके साथ साथ, ठीक है, इसी के साथ साथ अब तुम देखो हमारे पास ए बी बाई पी क्यू था, अब बी सी के करस्पॉन्डिंग क्या है क्यू आर, वो भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और फिर ए सी बाई पी आर, तो मतलब बची हुई तीनों साइड का रेशियो भी क्या हो जाता है, इक्वली आ जाता है, ठीक है, किससे, सीपीएसटी से। इसके बाद बेटा जो हमारी अगली क्राइटेरिया है वो है एंगल, एंगल, एंगल ट्रिपल ए। अब ये कब लगानी है, ध्यान से देखो, मान लो मेरे को दो ट्राइंगल दिए जाए, ये ए बी सी, एक दिया हुआ है पी क्यू आर, साइज देखकर आपको पता चल रहा है कि साइज इक्वल नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते, हम सिमिलर पढ़ रहे हैं, हम सिमिलर ही करेंगे। तो देखो अगर
मान लो आपको एंगल ए एंगल पी के इक्वल दिया हुआ है, एंगल बी एंगल क्यू के और एंगल सी एंगल आर के, मतलब तीनों ही एंगल्स एक ट्रायंगल के तीन एंगल अगले ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल है, तो इफ इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, और कौन से वाले ट्रायंगल में, पी क्यू आर में बेटा एंगल ए एंगल पी के इक्वल दिया हो, एंगल बी एंगल क्यू के और एंगल सी एंगल आर के दिया हो, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। देखो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, और जो क्राइटेरिया हमने यूज किए तो तीनों एंगल यूज किए ना, तो भाई ए ए ए सिमिलैरिटी रूल, ठीक है। अगर इसमें सीपीएसटी लगाना होगा, देखो तीनों एंगल के बारे में बात की गई है मगर तीनों साइड का कोई जिक्र नहीं है, तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इसमें एक बना जाएगा। ए बी देखो, ए बी पहले दूसरे नंबर पे, पी क्यू भी पहले, ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, फिर बी सी के करस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू आर, फिर ए सी के पी आर, तो यहाँ पे ना रेशियोज इक्वल होते हैं बेटा साइड के, यहाँ पे साइड के रेशियोज इक्वल होते हैं, साइड इक्वल नहीं होती है, ठीक है। हमारा एक क्राइटेरिया और होता है डबल ए, एक्चुअल में डबल ए कुछ नहीं है, ट्रिपल ए का ए ए ए एंगल 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 का छोटा फॉर्म आया कहां से, देखो तो कहां से आया, सीधी सी बात है बेटा कि मान लो मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, देखो क्यों क्यों हम ट्रिपल ए ना लगाकर हम सीधे डबल ए ही लगा देते हैं, बता रहा हूं क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना कि अगर अगर हमारे पास दो ट्रायंगल दिए, जैसे एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया है, ठीक है, जैसे ये ए बी सी है बेटा और ये मेरा पी क्यू आर है, मुझे सिर्फ इतना बोला कि मेरा ए जो है वो पी के बराबर है और मेरा बी जो है वो क्यू के बराबर है, फिर भी इसमें ट्रिपल ए लग जाएगी, वैसे डबल ए है, ठीक है डबल ए पढ़ा रहा हूं मैं, एक्चुअल में डबल ए कुछ नहीं है, ट्रिपल ए ही है, डबल ए कुछ नहीं है, ट्रिपल ए ही है, ठीक है। तो जब दो किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है, इसीलिए हम ट्रिपल ए की तरफ ना जाके डबल ए लगा लेते हैं। देखो क्यों हो जाता है तीसरा अपने आप इक्वल, तो देखो मैंने मान लिया कि देखो जैसे मुझे ये दिया हुआ है कि ना एंगल ए हमारा किसके इक्वल दिया है, एंगल पी के, एंगल बी किसके दिया है, एंगल क्यू के। मैं अगर आपसे ये कहूँ बेटा कि एंगल ए एंगल बी और एंगल सी को प्लस करो तो 180 आता है, क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे क्या आएगा 180। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये भी 180 आता है, है ना, तो इससे तो यही पता चला कि हमारे एंगल ए प्लस बी प्लस सी जो है वो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर के बराबर है। फिर देखो बुझाओ, अब हमारा P किसके बराबर है, A के, तो हमने P की जगह A रख दिया, B किसके, Q किसके बराबर है, B के, B रख दिया, ठीक है क्या रख दिया B, और R किसी के बराबर नहीं, तो A से A कटा, B से B कटा, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है, तो हमें तीसरा एंगल इक्वल प्रूव करने की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है, हम सीधे ही लिख देंगे कि इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर हमारे पास एंगल ए एंगल पी के इक्वल दिया और एंगल बी एंगल क्यू के दिया है, ठीक है, तो आप सीधे ही लिख सकते हैं कि देखो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई डबल ए, ठीक है, सिमिलैरिटी रूल। वैसे तो कॉन्ग्रुएंसी असिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं, मैंने तो यहाँ दो ही लिए क्योंकि तीसरा में पता है अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो आप डबल ए लगा सकते हैं, ठीक। अब तो ये तो हमारे थे क्राइटेरिया जिनकी बदौलत जो है हम लोग इनको सिमिलर प्रूव करने वाले। तो एग्जांपल फोर में हमसे ये बोला है कि हमारी एक लाइन है पी क्यू, वो पैरेलल है दूसरी लाइन आर एस के, आर एस के, ठीक है, आर एस के पैरेलल,
इसके पैरेलल बताई थी आर एस के, तो देखो बेटा हमें अब गिवन क्या है, तो इसमें हमें यही गिवन है मेन चीज जो कि है पी क्यू पैरेलल टू आर एस। टू प्रूव, प्रूव ये करना है कि जो दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं ना आपस में सिमिलर है, ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर है ट्राइंगल एस ओ आर। तो देखो मैंने इसको एंगल वन मार्क कर लिया, ठीक है, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर, इसको फाइव, इसको सिक्स, ठीक है। तो प्रूफ देखो, प्रूफ मैं कह सकता हूं कि इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल एस ओ आर सबसे पहले तो एंगल वन एंगल फाइव के इक्वल है और एंगल टू एंगल सिक्स के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो व्हेन लाइंस आर पैरेलल, व्हेन लाइंस आर पैरेलल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। अब आगे देखते हैं, साथ ही साथ एंगल थ्री जो एंगल फोर के इक्वल है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप पेपर में बी ओ ए नहीं लिखेंगे, आप पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल लिखेंगे। तो देखो तीनों ही एंगल आपस में इक्वल हैं, तो देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर, एस ओ आर बाय, ठीक है, तो रूल है हमारा डबल ए, ठीक है, बाय डबल ए, डबल नहीं ट्रिपल ए, तीनों एंगल ये ना बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल, ठीक है। और कुछ पूछा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलेंगे एग्जांपल फाइव की तरफ, ठीक है। तो एग्जांपल फाइव देखो बेटा, एग्जांपल फाइव, तो एग्जांपल फाइव में क्या किया गया है ना, ए बी सी ऐसे करके ट्रायंगल दिया और एक दिया हमें आर पी क्यू के, ये एंगल 80 दिया है, ये 3.8 दिया है, 3√3 दिया है, 6, ये एंगल 60 दिया है, this is 6√3, 7.6 and this is 12, ठीक है। और हमसे जो बोला है कह रहा टू फाइंड, तो हमें एंगल P की वैल्यू निकाल के देनी। तो गौर से देखो, यहाँ पे हमें लगभग तीनों साइड की वैल्यू दी है दोनों ट्रायंगल्स में। तो पहले तो ना मैं देखूंगा, ये देखो 3.8 इसमें पॉइंट लगा है। अब PQR में भी देखो कौन सी साइड में पॉइंट लगा है, तो QR में पॉइंट लगा है, इसमें पॉइंट लगा है QR में। तो सबसे पहले तो हम AB बाई QR को लेंगे, ये हिंट है एक हमारे लिए कि पॉइंट वाले एक दूसरे के नीचे, रूट वाले एक दूसरे के नीचे, होल नंबर एक दूसरे के नीचे, नहीं तो आप ट्राइंगल को घुमाते जाओ, रोटेट करो PQR को घुमा घुमा के, ठीक है। 3.8 अपॉन में 7.6 ये आया बेटा 1/2, ऐसे ही BC by PQ निकाला तो 6/12 ये भी आया बेटा 1/2, ठीक है, ये भी आया हमारा 1/2, ऐसे ही हमने AC by निकाला PR 3√3 अपॉन में 6√3 तो ये भी 1/2। तो यहां से हमें क्या मिला, हमें मिला कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, फिलहाल तो पी क्यू आर नाम दे दो आप, जब सिमिलैरिटी कर लगाओगे तब आपको 1:1 करने पड़ते हैं, ठीक है, तब नाम सही करना पड़ेगा थोड़ा सा। हमने तो देखा ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू है बी सी बाई पी क्यू के, इक्वल टू है ए सी बाई पी आर के, क्योंकि सब 1/2 के इक्वल है, मतलब आपस में इक्वल। हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, सिमिलर है ट्राइंगल
आर क्यू पी के, ठीक है, आर क्यू पी के। ऐसे भी देख लो ए की वैल्यू, ठीक है, तो ना ए बी पहले दूसरे पोजीशन पे, क्यू आर भी पहले दूसरे पे होना चाहिए, बी सी दूसरे तीसरे पे है तो पी क्यू भी दूसरे तीसरे पे होना चाहिए, ए सी पहले थर्ड पे है तो पी आर भी पहले थर्ड पे होना चाहिए। तो इस हिसाब से नाम दिए जाते हैं। और क्राइटेरिया जो लगा है बेटा यहाँ पे लगा है भाई एस 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 सिमिलैरिटी रूल। तो अब देखो आगे समझो, तो भाई सीपीएसटी से, भाई सीपीएसटी से मैं बोल सकता था कि मेरा जो एंगल सी है वो एंगल पी के बराबर है, क्योंकि मुझे पी चाहिए, मुझे पी चाहिए। पर गौर से देखा तो सी भी नहीं दिया, लेकिन सी निकाला जा सकता है, ट्रायंगल एबीसी में दो एंगल दिए हैं, तीसरा निकल जाएगा। तो मैं लिखूं कि अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब क्योंकि सी पी के बराबर है तो एंगल ए की वैल्यू बेटा 80 थी, इसकी 60 थी, उसकी जगह मैं पी रख देता हूं 180 डिग्री, एज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी था 140 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180, तो एंगल पी की वैल्यू बेटा 40 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अगला है बेटा एग्जांपल 6, थोड़ा सा ध्यान देना एग्जांपल 6 की तरफ। एग्जांपल 6, तो एग्जांपल 6 में ना कुछ डायग्राम वगैरह बनाया हुआ आपका, तो अब मैं डायग्राम बना देता हूँ पहले, तुम ऐसे करके, ये ए डी है और ये बी सी है, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें गिवन क्या है, गिवन दिया है बेटा ओ ए, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है ओ बी। और जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि एंगल ए जो है, ठीक है, एंगल सी के बराबर है और एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है, ठीक है। गौर से देखना कैसे करेंगे, सुनो बेटा क्या दिया है, ओ ए इंटू प्रूफ, देखो प्रूफ बहुत गौर से समझना इसको, तो हमें क्या दिया है ओ ए इंटू ओ बी, OA और OB दो अलग अलग ट्रायंगल के पार्ट है, तो ये तो एक दूसरे के रेशियो में होने चाहिए, पर तो मल्टीप्लाई में आ गए, है ना, एक दूसरे के डिवाइड में होने चाहिए तो मल्टीप्लाई में आ गए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, थोड़ा सा रीअरेंज करनी है अपनी गिवन वाले पार्ट को, मतलब जो मुझे OA into OB is equal to OC into OB दिया है ना, उसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। और रीअरेंज करते टाइम ये ध्यान रखना कि दो अलग अलग ट्रायंगल के पार्ट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे हो, दो अलग अलग ट्रायंगल के पार्ट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे हो, ठीक है। तो मैं इसको ओ ए ही रहने देता हूँ, बस ये वाला ओ सी जो है ना, देखो ओ ए हमारा ए ओ डी में है और ओ सी हमारा, ओ सी हमारा बी ओ सी में है, तो मैंने ओ ए के नीचे क्या कर दिया, ओ सी कर दिया, ओ डी ऊपर रह जाएगा और वो भी यहां से जाके उसके नीचे तो डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस हमने ना इसको इस तरफ भेजा है और इसको इस तरफ भेजा है, तो ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएंगे तो डिवाइड आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि इससे हमें एक रेशियो मिल जाएगा दो करस्पोंडिंग साइड्स का, ठीक है, हमें दो करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो मिल जाएगा। तो देखो इन ट्राइंगल, अगर मैं आपको ट्राइंगल दिखाऊं बेटा, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, गौर से देखना, पहले तो हमारा ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ डी बाई ओ बी, प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव किया है ना, ओ ए बाई ओ सी और ओ डी बाई ओ बी,
और साथ ही साथ इन दोनों के बीच का OA और OB के बीच का और OC और OB के बीच का एंगल, एंगल AOD जो है एंगल COB के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल से। तो जब दो करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो ट्राइंगल सिमिलर होता है। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज सिमिलर कॉन्ग्रुएंट द साइड का सॉरी ठीक है इज सिमिलर टू ट्राइंगल COB बाय SAS सिमिलैरिटी रूल। तो देखो बेटा CPCT से एंगल सॉरी CPST से तो बाय CPST से एंगल A पहली पोजीशन पे और एंगल CB पे, एंगल AC के बराबर हो जाएगा और एंगल D एंगल B के बराबर हो जाएगा, यही हमने प्रूव करना था। हैंस प्रूव ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से प्रूव होगा। एक नंबर, दो नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, दो या एक नंबर में, MCQ में आया तो एक नंबर में और सॉल्व करने को आया तो दो नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन जो तुम्हारा एग्जाम्पल 7 है ना भाई, एग्जाम्पल 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल 3 को जो है पहले, एग्जाम्पल 3 नहीं एग्जाम्पल 7 सॉरी एग्जाम्पल 7 को पहले से ही मैंने कलर चेंज करके मार्क कर दिया और ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है। तो एग्जाम्पल 7 में दिया क्या है गौर से पढ़ेंगे। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। एक लड़की है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है और एक वो लैंप पोस्ट से 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रही है। मतलब सुनो, ऑब्वियस सी बात है लैंप पोस्ट बहुत बड़ा होता है ठीक है। ये मेरा लैंप पोस्ट है, ग्राउंड पे ही होगा ठीक है, मान लो AB नाम का मेरा लैंप पोस्ट है और इससे कुछ दूरी पे हमारी एक लड़की जा रही है, ये लड़की ठीक है, सीडी उसकी हाइट है, ऐसे करके दूर जा रही है। और देखो तो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, यहाँ पे गिवन है पहले तो हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट गिवन नहीं है, मैंने इसको AB मान रखा है। क्या मान रखा है? AB ठीक है, डायग्राम में AB है और हाइट ऑफ गर्ल, हाइट ऑफ गर्ल तो गर्ल की हाइट बेटा CD और ये मुझे दिए 90 सेंटीमीटर। आगे स्पीड ना मीटर पर सेकंड में दिए तो 90 सेंटीमीटर को भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते तो 0.9 मीटर। अब स्पीड ऑफ गर्ल, गर्ल की स्पीड क्या है बेटा, तो गर्ल की स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड ठीक है। तो सुनो क्या कह रहा है कि एक लड़की पहले लैंप पोस्ट के पास खड़ी थी, फिर वो लैंप पोस्ट से दूर जाती है किस स्पीड से, 1.2 मीटर पर सेकंड। पहले वो बी पे ही थी, फिर वो 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जाती है और कितने सेकंड के लिए, 4 सेकंड्स के लिए, 4 सेकंड के लिए। तो टाइम कितना लिया इस लड़की ने, 4 सेकंड्स लिया है ठीक है। तो अब आपको बताना है कि उस लड़की की 4 सेकंड के बाद शेडो क्या होगी। तो उस लड़की की देखो जो शेडो बनेगी ना बेटा, वो यहाँ पे बनेगी ई पे, बी ई। लड़की अगर सी पे खड़ी है, डी पे खड़ी है, सी डी करके उसकी हाइट है, सी डी उसकी हाइट है, तो उसकी उसकी शेडो पीछे से लैंप है ना, तो उसके आगे बनेगी ना शेडो, तो बी ई, बी ई उसकी शेडो होगी, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ गर्ल, शेडो ऑफ गर्ल की शेडो की लैंप ठीक है, डी। तो अब गौर से देखो बेटा, इसको अगर मैं जोड़ू ठीक है, हमारा ट्राइंगल देखो, लड़की की हाइट भी 90 डिग्री पे नपेगी, लड़के की हाइट भी 90 डिग्री पे नपेगी ठीक है। तो देखो इधर सुनो, अब मेरे पास दो ट्राइंगल है बेटा, एक तो ट्राइंगल ए बी ई है और एक ट्राइंगल सी डी ई है।
ठीक है, एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल, दोनों में अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं दोनों ही ट्रायंगल में बात करूं तो एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल सी डी ई इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कितना है, 90 डिग्री है गिवन, तो नहीं है लिखना हाइट इज ऑलवेज मेजर्ड परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली ना की जाती है। और देखो दोनों ही ट्रायंगल में एंगल ई कॉमन, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई कॉमन। अब दोनों ट्रायंगल में जब दो एंगल्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल अपने आप कौन सिमिलर, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी डी ई के, इसके सी डी ई के बाय ए ए सिमिलैरिटी, इससे ए ए सिमिलैरिटी रूल से। तो देखो बेटा यहाँ पे सुन, अब यहाँ पे ना मुझे निकालना डी ई, मुझे क्या निकालना डी ई, ठीक है, और मेरे को क्या क्या हिंट दी गई है, मैं अगर बात करूं कि मुझे दी क्या क्या दी, अच्छा तो लैंप पोस्ट की लेंथ भी दी थी, दैट आई फॉरगेट टू मेंशन, 3.6 मीटर, 3.6 मीटर, और ये 0.9 मीटर। देखो ए बी और सी डी दिया है, डी ई पूछा है, ठीक है, तो इस हिसाब से मैं करस्पॉन्डिंग साइड जो मेरे काम की वो निकालेंगे। देखो तो बाय सीपीएसटी से, सीपीएसटी से, ठीक है, जो ए बी अपॉन में सी डी है बेटा वो इक्वल हो जाएगा ए ई बाय, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा हमारा, ए ई नहीं लेते हैं, ए ई काम का नहीं है, ए ई हमारे काम का नहीं आएगा, वो हाइपोटेन्यूज जैसा आ रहा है तो निकालना ही नहीं, इक्वल टू आ जाएगा बेटा बी ई बाई डी ई के, ये सीपीएसटी से आया, उसको भी नंबर वन मार्क कर दो, ठीक है, उसको भी नंबर वन मार्क कर लो। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताना भूल गया था, या अभी हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे को अगर ये पता कर रहा हूँ ये बी डी कितना है, ये बी डी, ये बी डी, तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, लड़की की स्पीड 1.2 मीटर पर सेकंड थी, टाइम 4, तो 4.8 मीटर। उस लड़की ने B से लेकर D तक कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 4.8 मीटर, 4.8 मीटर BD ने। और इस DE को जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है उसको मैं मान लेता हूँ X, क्या मान लेता हूँ X, तो अब मैं वैल्यू रखूंगा इक्वेशन वन में, वी हैव, हमारे पास है ए बी बाई सी डी इज इक्वल टू बी ई बाई डी, ए बी 3.6 दिया हुआ है, ये 0.9 दिया हुआ है, बी ई, बी ई जो है ना मेरा बेटा वो बी डी प्लस डी ई से आए, ठीक है, बी डी प्लस डी ई से आएगा, और डी ये रहा, और डी की वैल्यू हमने एक्स ले रखी है, ठीक है, नहीं हाँ डी की वैल्यू हमने एक्स ले रखी है ना, तो देखो अब जो वैल्यू रख बी डी की निकाल चुके हैं, तो 3.6 को 0.9 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, ठीक है, और बी डी की जगह हमें रखना है बेटा 4.8, ठीक है, D हमारा X है और ये हमारा ये भी X है, तो ये X उधर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4X is equal to 4.8 plus X, अब ये X उधर जाके माइनस, तो 3X is equal to 4.8, तो X की वैल्यू बेटा 4.8 by 3, 1.6 मीटर, तो X is equal to 1.6 मीटर, ये है length of shadow, this is the length of shadow of girl, ये लड़की की shadow है, कितनी, 1.6 meter, answer है, ठीक है,
एग्जाम्पल 8, 3 से 4 नंबर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 8, ठीक है। तो पहले तो डायग्राम बनाया है, डायग्राम बना लेते हैं, सीधा करके बनाना, उल्टा करके मत बनाना, ठीक है। इसको टेढ़ा वेढ़ा करके दिया, हम सीधा करेंगे। तो देखो सर, सी ए बी पी क्यू आर उसकी गिवन की कहानी समझो भाई। तो देखो बेटा, गिवन क्या दिया है, गिवन बोला है कि CM एंड RN आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो पहले तो CM इज मीडियन ऑन, CM जो है वो मीडियम है किसके ऊपर, AB के ऊपर गिर रहा है ना, तो AB का मीडियम होगा। That is, इसका मतलब ये है कि भैया जो AM है वो BM के बराबर है और हाफ ऑफ AB है, हाफ ऑफ AB। ये चीज लिखना मत भूला करो, हाफ ऑफ बी ए बी हाफ ऑफ ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ही दूसरा और है, RN is median on PQ, that is PN is equal to beta Q1 of half of PQ, half of PQ, ठीक है। और साथ ही साथ तीसरी चीज तो बड़े काम की थी भैया भाई, कि ट्रायंगल ABC पूरा सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये ऐसा दिया है, ये वाला पूरा सिमिलर है, ठीक है, ये पूरा सिमिलर दिया हुआ है। तो प्रूफ, टू प्रूफ प्रूफ क्या करना है, तो बेटा प्रूफ पहले तो ये करना है कि ट्राइंगल AMC लेफ्ट वाला ट्राइंगल, पहले वाले ट्राइंगल के लेफ्ट वाला जो है वो दूसरे वाले ट्राइंगल के लेफ्ट वाले के सिमिलर प्रूफ करना है, जो कि PNR है। दूसरा जो हमें प्रूफ करना है, दूसरी चीज जो हमें बेटा प्रूफ करनी है, तो ये प्रूफ करनी है कि CM बाय RN इक्वल टू है AB बाय PQ के, ठीक है। और तीसरी चीज जो हमें प्रूफ करनी है, वो ये प्रूफ करनी है कि ट्रायंगल CMB पहले के राइट वाला इज सिमिलर टू ट्रायंगल RNQ दूसरे के राइट वाला, ठीक है। तो अब आओ बच्चों प्रूफ वाले पार्ट पे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया, देखो सबसे पहले सबसे काम की चीज जो यहाँ दी है ना, वो आज ये दी है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR के, तो लगाओ भर भर के CPST, ठीक है। तो बाय CPST से क्या हो जाएगा, तो CPST से हम बोल सकते हैं कि AB बाय PQ is equal to BC by QR is equal to AC by PR है। इसके बाद एंगल A एंगल PK, एंगल B एंगल QK और एंगल C जो है वो एंगल RK, ये सब तो है इक्वल एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब आगे समझो, जो मैं सबसे पहली चीज प्रूफ करनी है ना बेटा, वो क्या प्रूफ करनी है, देखो कि ट्रायंगल AMC सिमिलर है ट्रायंगल PNR के। तो AMC देखो कहाँ है, वो रहा AMC, देखो मैं हाईलाइट करता हूँ AMC, ये रहा हमारा AMC, ये पूरा ऐसे करके दिस होल ट्रायंगल, इसके सिमिलर प्रूफ करना है। येलो येलो डर्टी पैरेलल को देखो, तो अगर मैं दोनों में बात करूं, देखो बेटा एंगल ए एंगल पी के बराबर है,
ठीक है, और ए सी बाई ए बी तो है, पर हमें ए एम कुछ जैसा चाहिए, हमें ए एम तक का नहीं लौटना, अपनी खत्म करनी है। तो मैं तुम्हें एक चीज समझाते जा रहा हूँ, सुनो, यहाँ सुनो गौर से, है ना। मैं अगर ये कहूँ आपसे कि बेटा थोड़ा सा ना इधर देखो ध्यान से, कि अपने पास ये दिया हुआ है, इतना सारा दिया ना, इतना रेड वाले मार्कर से मैंने इसको किया हुआ, इसमें से ना मैंने इतना सारा फालतू है, मैं कुछ पार्ट चूज कर लेता हूँ। मैंने ना बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर ले लिया, ठीक, इतना कंसीडर कर लिया। सो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना इस वाले में से ए बी बाई पी क्यू, थोड़ी देर के लिए हटा दिया, आपको समझ आएगा क्यों हटा रहा है, सबर करो, ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे नहीं रखना है, रखना है तो रख लो। फिर मैंने क्या किया, एक बार ए बी बाई पी क्यू रख लिया, ठीक है, ए बी बाई पी क्यू रख लिया हमने, ठीक है, ए बी बाई क्या रख लिया, पी क्यू, और सॉरी सॉरी बेटा इधर देखो, इसमें थोड़ा सा हमसे कुछ मिस्टेक हो रही है, फंस जाओगे उनका, हल्की सी गलती है। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, इधर देखो, ये नहीं लिया हमने, एक बार ना ए बी बाई पी क्यू को ए सी बाई पी आर के इक्वल रख लिया, और एक बार ए बी बाई पी क्यू को, ठीक है, ए बी बाई पी क्यू को बेटा बी सी बाई क्यू आर के इक्वल रख लिया। तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि हाफ ऑफ ए बी अपॉन में हाफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर लिख सकता हूँ? देखो ऊपर के आप से नीचे का आप कट जाएगा तो भी तो ए बी बाई पी क्यू ही है, ए बी बाई पी क्यू है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं हाफ ऑफ ए बी को ढूंढूं तो मैंने कहीं ए बी का हाफ भी लिखा होगा, अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो बेटा हमारा ए बी का हाफ ना ए एम है, क्या है, ए एम दिख रहा है ना, ए बी का हाफ क्या है हमारे पास, ए एम। और ऐसे पी क्यू का हाफ एक बार क्या है, पी एन, मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल में जिसको येल्लो मार्क किया है, उसमें ए बी का हाफ क्या है, ए एम, और पी क्यू का आप क्या है, पी एन। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इसको कर दूंगा ए एम, इसको कर दूंगा पी एन, ए सी बाई पी आर। ऐसे ही इसको भी देख लो, यहाँ भी हाफ ऑफ ए बी अपॉन में हाफ ऑफ पी क्यू ले लूंगा, इक्वल टू हो जाएगा बेटा बी सी बाई क्यू आर। ये क्यों कर रहे हैं, देखो अब राइट वाला ट्राइंगल देखो, राइट वाले ट्राइंगल में क्या आएगा, एम बी आ रहा होगा और बी सी आ रहा होगा, है ना, क्यू आर आ रहा होगा और क्यू एन आ रहा होगा। तो अब देखो ए बी का हाफ राइट साइड में एम बी है, ठीक है, ऐसे पी क्यू का हाफ राइट साइड में क्यू एन। तो इसको मैंने क्या किया, बी एम बाई क्यू एन से रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर। अब समझो, तो अब तुम देखो ट्राइंगल जो तुम्हें सिमिलर प्रूफ करना है, कौन सा ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है, तो बेटा पहले जो तुम्हें ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना था वो था ए एम सी एंड ट्राइंगल पी क्यू पी एन आर, पी एन आर, है ना। तो सबसे पहली चीज जो है हमारा ए एम अपॉन में पी एन जो है वो ए सी बाई पी आर के है, क्यों है, प्रूव्ड इन इक्वेशन वन, प्रूव्ड इन इक्वेशन वन, ठीक है, डायग्राम देख लो, ठीक है, ए सी ए एम और उधर पी आर पी एन, और उनके बीच का एंगल ए और एंगल पी भी आपस में इक्वल है, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, तो दो साइड का रेशियो इक्वल है और उनके बीच के एंगल इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर है ट्राइंगल पी एन आर के बाय एस ए एस सिमिलारिटी रूल। ऐसे ही बेटा, तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही मैं राइट साइड वाले ट्रायंगल को भी कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो राइट साइड में हमें ट्रायंगल दिया बेटा सी एम बी एंड ट्रायंगल आर एन क्यू, ठीक है। तो देखो
सीएमवी और आरएनक्यू को जब हम देखेंगे, ठीक है, आप अपनी बुक भी कंसीडर कर सकते हो, बार बार मेरे को ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो सीएमबी में और आर, ठीक है, एनक्यू में देखो सीबी और एमबी, मैं ये दो साइड्स ले रहा हूँ और उधर आरक्यू और क्यूएन ले रहा हूँ, उनके बीच के एंगल बी और एंगल क्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि बीएम अपॉन में क्यूएन और बीसी बाई क्यूआर, ये दो साइड का रेशियो इक्वल है और इनके बीच का एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल। अच्छा, ये क्या था, बाई सीपीएसटी से प्रूफ किया था, प्रूव्ड बाई सीपीएसटी, ये प्रूव्ड इन इक्वेशन टू, प्रूव्ड इन इक्वेशन टू और प्रूव्ड बाई सीपीएसटी, प्रूव्ड बाई सीपीएसटी से प्रूव किया था। इसमें भी बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल सीएमबी सिमिलर है ट्राइंगल आरएनक्यू के बाय एसएएस सिमिलैरिटी। तो पार्ट वन और पार्ट थ्री तो क्लियर हो गए बेटा, अब बात आती है पार्ट टू की। पार्ट टू की, तो पार्ट टू में प्रूफ क्या करना है, आप देखो, तो आपको दिख रहा होगा, देखो मैं अगर इसमें सीपीएसटी लगाऊं बाई सीपीएसटी, अगर मैं इसमें सीपीएसटी लगाता ना बेटा, ठीक है, क्या लगाता, सीपीएसटी, तो ये देखो सीपीएसटी लगाता तो सी एम अपॉन में आर एन इज इक्वल टू, सी एम अपॉन में आर एन में इज इक्वल टू लिख सकता था ए सी बाई पी आर के, लिख सकता था ना, है ना, दिस वर्सेस दिस और फिर दिस वर्सेस दिस, है ना। बट जो तुम्हारा ए सी बाई पी आर है वो किसके इक्वल है, तो वो बेटा ए बी बाई पी क्यू के इक्वल है, ऊपर देखा था ना, है ना। तो ये हमारा थर्ड था, इसको हम फोर्थ मान लेते हैं, तो फ्रॉम थ्री एंड फोर वी गेट सी एम बाई RN is equal to AB by PQ। ये हमारा पार्ट टू था, तो ये पार्ट टू, पार्ट वन और दिस इज पार्ट थ्री, प्रूव हो चुका है, hence proved, hence proved।